समझ में आ गई बात। क्या होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सर को उत्तर दिशा की तरफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मालूम है? पंडित जी कहेंगे जब किसकी मृत्यु होगी सब इधर करो इधर करो पांव इधर करो, अक्सर सुना होगा आपने। अब कोई ये प्रश्न नहीं करता पंडित जी इधर क्यों नहीं करें, क्योंकि नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक जोन है नॉर्थ पोल में, और हमारे शरीर में आयरन होता है आप जानते हैं, आयरन खून के अंदर ब्लड में आयरन है, ठीक है। अगर आप जीवित अवस्था में उत्तर की तरफ सोएंगे सर करके तो पूरी बॉडी का आयरन आपको उधर की तरफ खिंच जाएगा, यानी कि समस्या होगी ब्लड सर्कुलेशन, आपको सोते सोते हेड की तरफ बहुत तीव्र हो जाएगा, उससे स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है उससे, क्योंकि आयरन ब्लड के अंदर है और आयरन उत्तर दिशा के पोल की तरफ खिंचेगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, हानिकारक है। इसलिए पांव करके है नहीं, वो अगर तुम्हें स्ट्रोक आया होता तो कहीं हाँ होती। अब हुआ क्या था, अब वो बताऊंगा, अब मैं वो बताऊंगा हुआ क्या था। तो हमको पांव उत्तर दिशा की तरफ करके सोने चाहिए ताकि जो बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट प्रॉपरली हो। रेगुलेट होने के लिए रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, या सर ईस्टर्न साइड में भी होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ भी अगर होगा तो बहुत फायदेमंद है वो चीज़ हमारे लिए, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य देव निकलते हैं। इस सृष्टि के जो साक्षात भगवान है वो सूर्य देव है। पूरी सृष्टि को जो रचना है, जो ये क्या कहते हैं अर्थ, खासतौर से सृष्टि का जो हिस्सा अर्थ है उसको पूरा का पूरा एनलाइटन करते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और सूर्य देव के कारण ही जीवन है। अगर सूर्य देव आज अपना मुंह मोड़ ले यहां से धरती से तो यहां का जीवन समाप्त हो जाएगा। कहीं कहीं 6 महीने बाद भी दिखते हैं लेकिन फिर भी जीवन रहता है, 6 महीने बाद तो आते हैं ना, तो वो कवर कर लेते हैं वो सारी चीजें, जैसे अंटार्कटिका है। लेकिन अब हम सर करके उधर सो रहे हैं तो पूरी बॉडी जो है हमारे पूरा खून का दौरा हमारे सर की तरफ जाएगा, और खून जो दिमाग की जो नर्व होती हैं बहुत बारीक होती हैं और कोमल भी होती हैं, इतनी कोमल होती हैं इस कारण से परमात्मा ने हमारे सिर को सख्त बनाया है। इतना सख्त पूरे शरीर में कोई हिस्सा नहीं है, सबसे ज्यादा हार्ड है, अगर टक्कर लगेगी इतनी हानि से इसमें कुछ नहीं होगा। उन नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए सर को सख्त बनाया गया है। मैंने मेडिकल साइंस की चीजें पढ़ी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि सर सख्त इसलिए बनाया है कि सर की जो नर्व्स हैं बहुत बारीक हैं और उसके बाद कोमल हैं, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो शेल ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है सर ने। जैसे हेलमेट हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है ना, तो हमारा जो सर रूपी हेलमेट है वो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें अगर इतनी तेज दौरा हो गया ना, क्योंकि सारा ब्लड जो है उधर की तरफ भागेगा नॉर्थ की तरफ सर की तरफ, तो बस्ट ना हो जाए जो मुझको महसूस होता है। और दूसरा मृत्यु के बाद क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है उसमें मैग्नेटिक जोन तो है ही है, खून का दौरा भी है, और किसी की जब प्राण मतलब समझ लीजिए मृत्यु हो गई है, उस मृत्यु की अवस्था में उसकी कुंडली कई बार सर्वाइव करती है। प्रत्यक्ष रूप में तो उसकी धड़कनें बंद हो गई, दिमाग भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार जो लोग थोड़ा से जड़ होते हैं, आज्ञा चक्र में साधना की होती है जिन लोगों ने, लेकिन वो आज्ञा चक्र में साधना की होती है तो उनकी कुंडली आज्ञा चक्र में मौजूद होती है, तो कुंडली रिलीज हो सके आसानी से, इसलिए उत्तर की दिशा की तरफ, क्योंकि दिमाग में जो है खून फिर भी रहता है ना, दिमाग में ब्लड है, शरीर मर गया है लेकिन फिर भी दिमाग में हृदय दो चीजें ऐसी हैं जो बंद होने के बावजूद भी इसका कुछ ना कुछ बना रहता है। आप कभी कभी देखा होगा कि कोई शव कोई मर जाता है ट्रक के नीचे आके, उसकी बॉडी से फिर भी कुछ ना कुछ रिलीज होता रहता है, क्योंकि हृदय और दिमाग दो ऐसे मुख्य चीजें हैं जहां पे एंड में मरते हैं, काफी एंड में मरते हैं। तो अंततः जो कुंडली है दिमाग में रहती है ब्रेन के अंदर, तो उनको ये होता है कि कुंडली माँ को थोड़ी राहत मिल जाए, उसकी जीवात्मा बाहर निकल जाए, तो नॉर्थ जोन की तरफ सर कर देते हैं कि किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई है तो रिलीज हो जाए। और यही प्रक्रिया जब जलाते हैं शव को तो कपाल क्रिया होती है, डंडा मारा जाता है सर में, वो खोपड़ी को लास्ट में फिर फोड़ा जाता है, उसके पीछे भी मुझे लगता है
मैंने वो पढ़ा नहीं है कहीं भी, मुझे ऐसा लगता है कि उस कुंडली को रिलीज करने के लिए एक रास्ता दिया जाता है, कहीं फंसी ना रह जाए ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा है। तो जो जीवित अवस्था में अगर आदमी उधर को सोएगा तो वो मृत हो सकता है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। और जो तुम्हें खिंचाव हुआ था वो कुंडली का ही खिंचाव था, कुंडली को तो मजा आ गया, उधर जाने का मौका मिल रहा है रिलीज होने का, वो तो फिर आगे भी उठ ही नहीं पाती बहुत लंबे समय तक सोचती। हाँ नुकसान होता है ना, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हो जाए, वो बहुत पूरा कशिश चल जाती है। वैसे तो माँ आदिशक्ति का जिस पे साया होता है उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ आदिशक्ति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन लेकिन ये टेक्निकल है, उसमें क्या हुआ तुम्हें एक सपोर्ट मिल गई, क्योंकि आयरन के कारण जो है बॉडी का आयरन सारा ब्लड के सारे सीधा दिमाग की तरफ भागा। अब उसका तो बायोलॉजिकल जो हमारी यूनिट है उसका तो वही सिद्धांत काम करेगा जो है। अब बायोलॉजिकल यूनिट को इतना एहसास हो रही है कुंडली भी जागी हुई है, तो यहां पे तुम्हें बेनिफिट हो गया। तो मैं बिल्कुल भी ये कहने वाला नहीं हूं जिसकी कुंडली शस्त्रार पे नहीं आती है वो शस्त्रार उधर करके सो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम तमाम ही हो जाए। कभी कोई सोचे भैया ट्रिक बहुत अच्छी है, शस्त्रार पे कुंडली नहीं आती है तो नॉर्थ की तरफ करके सो जाओ, ये ट्रिक नहीं है, ये नुकसानदेह हुई हो सकती है। तभी तो उन्होंने बचा लिया ना, डैमेज हो जाता है ना, डैमेज हो सकता है ब्रेन। क्योंकि मजा आ रहा था ना, जब खिंचाव होता है तो बहुत आनंद आता है। चलिए अब हमारी बहन जी के बाद नंबर आता है किसका, शालिनी का। शालिनी का कौन सा है वर्कशॉप? फोर्थ फोर्थ है। चलो जय श्री माता जी, मैं शालिनी मेरठ से, ये मेरी फोर्थ वर्कशॉप है और हर वर्कशॉप में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले बहुत जल्दी से कुछ सीखती, मतलब वर्कशॉप से आने से पहले मैं बहुत डावाडोल सी रहती थी, मतलब मेरा थोड़ा होता था फिर गिर जाती थी, लेकिन जब से वर्कशॉप से आती रही हूँ तो स्टेबिलिटी आई है और अब की बार तो मुझे हृदय सहस्त्रार एक बिल्कुल बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा सा लगा है मुझे। और ये वर्कशॉप में मैं अभी ये कहूँगी कि सबको आना चाहिए और हमेशा मैं थैंक्स करूँगी माँ का भैया का भी कि इस वर्कशॉप में ऐसे ये ऑर्गेनाइज होती हैं और इसमें सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत क्वेरीज का आंसर्स मिलते हैं। जैसे मैं डलहौजी में भी नहीं गई थी, जैसे नहीं गई तो मैंने उसमें भी देखा कि बहुत सारी क्वेरीज, बहुत जैसे मैंने मिस कर दी, मैंने नहीं गई तो मेरे को बहुत कुछ, वैसे तो देख वीडियो से देखने से सब पता चल गया, लेकिन फिर भी एक प्रेजेंस वर्कशॉप में होने से बहुत अच्छा ग्रोथ मिलती है। और कोई संदेश आपकी तरफ से? सबको आना चाहिए वर्कशॉप्स में। अच्छा अब मैं एक प्रश्न ये पूछूंगा, जैसे कि आप जब तक भी जितने भी वर्कशॉप में आई हैं बहुत सारे लोग होते थे, भैया देहरादून में तो 60 लोग से ऊपर थे, 60, 62, 65 लोग थे, लुधियाना में भी कम से कम 44, 45 लोग थे, ठीक है, दिल्ली में भी 35 के करीब, 30, 35 के करीब लोग थे, अब जैसे यहाँ पे काफ़ी कम है आज, तो आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि उस वक्त इतने सारे लोग थे अब बहुत कम है, तो क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है या कोई क्या चीज महसूस हो रही है आपको वो बताइए। इससे कोई मैटर नहीं है, ये चीज कोई मैटर मेरे लिए नहीं, मतलब अंदर से बताओ ना कि ये, मतलब हमें, मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे इस अवस्था में हमको क्या महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा कि कोई ये लोग, मतलब इतनी कम स्ट्रेंथ है या इतने कम कम लोग हैं, इसका मेरे को एहसास ही नहीं हो रहा। क्यों, रीजन? मैं अंदर से जुड़ी हुई हूँ, मैं फील कर रही हूँ जो चीज़ मैं ले पाने आई हूँ, तो मेरे को ये नहीं है कि भाई अगल बगल कितने लोग बैठे हैं, मैं अपने में हूँ, बस मैं अपने में फील कर रही हूँ अपने आप को, ये मेरे लिए लग रहा है कि मेरे को। तो आपको ऐसा निराशा से नहीं हुई अब की बार बहुत कम लोग हैं, कुछ निराश फील नहीं किया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं, इसका मेरा आंसर खुद ही आ गया था, मैं जैसे बैठी थी ना तो अचानक से आया था कि क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये जैसे इतने कम लोग हैं तो अचानक से कुछ आंसर आया एकदम से कि
इसकी तो नीड ही नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे इतने सारे लोगों में ही मजा आ रहा था, क्या उतना ही मजा अभी भी आ रहा है या कम आ रहा है या ज्यादा हो गया? ज्यादा बल्कि हुआ, कम हुआ कि उतना ही? अब तो सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, एक-एक जगह से। अब जो भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान करा भी कोई भी, तो सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, जबकि उसमें सभी के सभी नहीं बता पाते थे थोड़े बहुत ही इसलिए। बताते थे। वेरी गुड, तो ये कमी नहीं खाली। कमी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, फुलफिलमेंट वैसे ही लगा। ओके, और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को तो ये वर्कशॉप्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो मतलब जरूर अटेंड करने के लिए कहूंगी कि अच्छा मेरे चौथी वर्कशॉप है अभी तो, चलो ये चौथी स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है, बाकी तीन आपने वर्कशॉप अटेंड की, तो उसमें कोई ऐसी चीज विशेष या उल्लेखनीय चीज जिसको आपको बहुत ज्यादा बुरा या अच्छा असर पड़ा हो, या तो किसी चीज का बुरा असर आया या अच्छा असर पाया, क्योंकि तो दोनों ही चीजों में हमें याद रहता है कि भाई ये चीज हुई अच्छी या ये चीज बहुत खराब हुई, दोनों ही कोई चीज बताइए, दोनों ही। इन वर्कशॉप से मेरी हर वर्कशॉप से ग्रोथ होती चली गई। मतलब मुझे जो मुझे आधार नहीं मिल पा रहा था वो आधार मिलता चला जा रहा है। थोड़ी क्वेरीज, जो जो चीज मैं जल्दी से एक्सप्रेशन मेरे में नहीं आता था, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी मेरी क्लियर होती जा रही हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। ये हर एक वर्कशॉप में मेरे साथ तो ये कोई होता ऐसी है। उल्लेखनीय चीज जो एकदम क्लिक करती है कि किसी जगह किसी टाइम में तीन तीन में से ऐसी क्लिकिंग कोई चीज हुई एकदम मजा आ गया, ऐसी कोई चीज आपके जीवन में हुई इन वर्कशॉप के दौरान? भैया बराबर आप सहस्त्रार पे हूँ, फोर्थ में, तो यही सबसे बड़ी बात है कि सहस्त्रार पे बनी हुई है। बिल्कुल मैं जैसे मतलब ठंडक सी फील हो रही है, यही क्लिक कर रही है ये चीज कि भी अब हम उस पे तो हैं, चलो यहाँ पे स्थापित हो गए हैं, आगे बढ़ना है आगे। अब जैसे एक बात है कि भाई डलहौजी में चलो आप नहीं गए, उससे पहले वर्कशॉप हुए काफी नजदीक हुए जिसमें 3-4 घंटे 5 घंटे की ड्राइव थी। अब जैसे वाराणसी में 3-4 घंटे तो आपने निकाले मेरठ से वहां आने के दिल्ली, अब 12 घंटे से ज्यादा निकाले समय निकला हमारा यहाँ तक आने में, इतनी जर्नी लंबी करने के बाद क्या आपको लगा कि भाई ये ज्यादा जर्नी कर ली है, मतलब इतनी आफत क्या, हमें इतनी क्या जरूरत थी यहाँ आने की, क्या ऐसा विचार आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक उत्साह था हमारा। बल्कि इस बार तो हमारे हस्बैंड की काफी तबीयत खराब थी, तो भी मतलब श्री माँ की कृपा है कि उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम रुक जाओ। और माँ की ऐसी कृपा रही कि उससे वेरी फर्स्ट डे उनकी शाम से ठीक हो गई, जो कि ईसीजी और ये सब हो गया था उनका। तो ये था कि भाई पता नहीं क्या चीज है जो इनके चेस्ट में पेन आ रहा है, तो शाम तक सब चीज धीरे धीरे ठीक होती गई और कोई दिक्कत ही नहीं आई, बिल्कुल स्मूथली मैनेज मतलब हो आपके लिए जो दूरी है, गई। डिस्टेंस है जो जगह का, हाँ, वो वो मैटर मैटर करता है या नहीं नहीं करता मैटर है, कर रहा? इतना मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। अब थोड़ा सा और दूर आगे इनविटेशन आ रहा है, पटना से इनविटेशन आ सकता है, तो थोड़ा सा और दूर है, तो क्या हिम्मत करोगे जाने की या अवॉइड करोगे कि भाई इतनी दूर नहीं जाएंगे? भैया अभी तो कुछ नहीं कह नहीं, मैं ये नहीं सकते। कहना चाह रहा, वो तो परिस्थितियां बताएंगी जा सकते नहीं, पर क्या ये दूरी की वजह से ऐसा होगा कि भाई ज्यादा दूर जा रहे हैं? वैसे तो घंटे उतने ही लगेंगे, वो शताब्दी ट्रेन जाती है, वो अच्छा कम अच्छा समय में ज्यादा डिस्टेंस घंटे कवर इतने करती इतने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई है। दिक्कत नहीं है फिर तो। नहीं, अगर हाँ ज्यादा घंटे हो जाए तो, अब जैसे गणपति पुले जाते हैं 28 घंटे लगते हैं रत्नागिरी तक पहुंचने में, 28 आवर्स तब तो यहाँ शुरू पहुंचने में, यहाँ पहुंचने में, अब छिंदवाड़ा में भी हमें कितने सारे घंटे लगे थे याद करो जरा है, छिंदवाड़ा के घंटे तो बहुत ज्यादा थे, गए थे ना 12 में, वो तो याद रहेगा, फोन घूम गया था वहां, ट्रेन में छूट गया था, तो उसमें तो इससे भी ज्यादा घंटे थे। अब मान लीजिए ऐसे ही वर्कशॉप थोड़े और दूरी पे होते हैं, ऐसे दूरी पे होते हैं, हमें 25 घंटे बाद पहुंचेंगे, तो क्या उलझन लगेगी?
अभी मैं सच बोलूंगी, मतलब मुझे लग रही है इस समय तो लग रही है कि मैं सही बोलूंगी। हाँ, आज की बात तो हम कर रहे हैं, भविष्य का तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आज की स्थिति में हम अगर मानते हैं कि इतनी दूर जाना है तो उलझन लगेगी। थोड़ी सी थोड़ा दूर जाने में शायद महसूस करते हो, महसूस करती हूँ। तो क्या फिर तो तुम्हें वहां भी लगा होगा, बहुत गलती कर दी मैंने छिंदवाड़ा जाके। मतलब यही कह रही मैं, उस समय की स्थिति दूसरी होगी, कुछ पता नहीं। अच्छा बताओ, आप परिस्थितियों के हिसाब से बता रहे हो। अब मैं मतलब मैं परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं इस वर्कशॉप के लिए दूर भी चली जाऊंगी। मैं ये मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा था भाई, परिस्थिति तो क्या है। जैसे मिताली ने आना था, मिताली के अचानक एग्जाम आ गए, तो परिस्थितियां ऐसी हैं, नहीं आ सकता बच्चा, कोई कोई बड़ा भी नहीं आ सकता, है ना। अब ये अनिल ने सुबह आना था, अब ये रात को आए हैं, तो परिस्थितियां हैं, ये तो हम उसकी बात नहीं करते। क्या हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं कि दूर है भाई, कौन जाएगा, ऐसे वाली फीलिंग नहीं, ये कंसिडरेशन नहीं है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, अटेंशन वर्क जरूर करते रहना चाहिए। अगर ध्यान भी अगर बाई चांस मिस हो जाता है ना, अटेंशन वर्क करते रहो तो हम कंटिन्यूटी में रहते हैं, उससे हमारा मतलब वो नहीं होता, कट ऑफ नहीं होता, हमें मतलब ब्रेक नहीं होता का, जो हम हमारी मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। मैं उस स्थिति से निकली हूँ तो अटेंशन वर्क की वजह से निकली। अच्छा मुझे अभी तक वैसे शालिनी ये भी नहीं पता कि शिमाताई ने आपको कब से चरणों में ले रखा, मुझे वाकई मालूम नहीं है। 2006 से ले रखा है मुझे। अरे तेरे की 13 साल हो गए, 14 साल हो गए करने वाले हैं। अच्छा ओके, तो जो डिफरेंस है, जैसे आप 2006 से हैं, अब मुझे तो मेरे मतलब मैं तो आपसे कुछ ही सालों से जुड़ा हूँ, तो आपने कोई डिफरेंस समझा कि भाई माँ से जुड़े हुए थे और उसके बाद अब आप इस तरीके से आप जुड़े हुए हो इस तरीके से, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप? माँ से तो अब भी जुड़े हो, तब भी जुड़े थे, तो इस देर है नहीं डिफरेंस। जो चीज हम कर रहे हैं वो बिल्कुल आधार मिल रहा है उसका। पहले क्या करते थे? पहले जैसे सेंटर में बताया था वो ही करते थे। पहले तो मैं बहुत सेंटर से जुड़ी नहीं, पहले तो मैं जो मतलब बस अपने आप से जुड़ी हुई थी, श्रीमाता जी को देखती थी और अपने आप से जो मुझे लगता था लेक्चर सुनती थी, थोड़ा थोड़ा वो सब चलता था। फिर स्थिति बिगड़ी, फिर सेंटर वालों से जो जब मेरे को कुछ पता चला किसी से भी अपने सहजी से, तो मेरे को यही पकड़ वकड़ बताई गई कि तुम्हारी ये पकड़ है ये पकड़, तो मैं तो और उलझ गई कि मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आपके उसके बाद आकांक्षा मिली, आकांक्षा आपसे जुड़ी हुई थी, तो वो सब फिर लिंक बनता गया और मैं फिर मेरे को ये पता चल गया कि हाँ ये चीज ही असली है, इसी चीज से इस आधार से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी और हम लोग मतलब ग्रोथ इसी से मिलेगी। मेरे अंदर से चेतना ये कहती थी कि ये रास्ता सही। मतलब श्रीमाता जी ने समय समय पर आपके लिए रास्ते बदले, नए नए इंस्ट्रूमेंट दिलाए, भाई इंस्ट्रूमेंट माध्यम बनते रह गए ना, भाई इंस्ट्रूमेंट हमें अलग अलग स्तर पे कई सारे माध्यम बनते हैं और हम सबसे अलग अलग चीजें सीखते भी हैं उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए। श्रीमाता जी ने व्यवस्था की होती है कि कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से हमारा संपर्क कराती हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चीज है वो हम उनसे प्राप्त करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ? अब आकांक्षा, जर्नी जर्नी मेरी भी ऐसी 2006 के अराउंड से जुड़ी है। अच्छा, प्रभा आंटी से रियलाइजेशन मिला तो दूसरे उन्होंने बोला कि बस माता जी की फोटो ऐसे ध्यान कर लेना, फोन चला देना। तीसरे दिन मेरे को एनर्जी फील हुई जैसे कहीं का तुमको फील है और उस दिन मैं इतनी खुश हुई बहुत ज्यादा, कहीं कैसे ऐसे हो सकता है कि आपके अंदर से इतनी एनर्जी कैसे रह सकती है, क्योंकि मैंने ना कभी सुना कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे एनर्जी फील करती है। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब बहुत फूल ही नहीं समाई जैसे तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर मैं आंटी के पास चले गई, मैं कहा आंटी अब आगे बताओ अब क्या करना है, कहीं कुछ नहीं करना बस यही करना है। और मेरे अंदर ना खलबली सी मच गई, मैं कहूँ मुझे तो आगे का कुछ पता, मेरा तो मन नहीं लग रहा। फिर नेक्स्ट डे वो बराबर में रस्ता हो गया, आंटी तो उनके यहाँ पहुँच गई, मैंने कहा आंटी आप कुछ बताओ, उन्होंने इतनी सारी प्रेयर बता दी हाँ हाथ रखो क्या हाथ रखो, मैं बोली शिमाता जी इनके यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा ऐसा मैंने फोटो लग रही थी शिमाता जी की, मैं कहीं इनके घर कभी नहीं आऊंगी। इतनी सारी प्रेयर करा दी उन्होंने, मैं कहीं
पिए हैं, सर ज्ञात है सर ज्ञानी है, मैं कच्चा इसकी लाइन का ध्यान पढ़ लेती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर बस फिर बेचैन होती रही मैं। एक सेंटर पर किसी ने पूछा ध्यान कैसे लगाना, बस आंखें बंद कर लो माता जी की फोटो देख लो, मैं कहीं तो बता दू ध्यान लगाना कहाँ है। कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता, मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई, मैं कहा मुझे बस हर चीज खराब लग रही है। फिर गणेश पूजा हुई, सबसे पहले खुद के आगे पहुंच गई शालू और मैंने एक साथ पूजा की। अच्छा हाँ, एक टाइम था हम लोगों ने अमित भैया बस एक दूसरे को सेंटर्स पे हम देखते थे ना, कुछ अट्रैक्शंस हो गए। अच्छा आपस में, अच्छा इस तरीके से जुड़े आप लोग। ओके सीमाताई ने जुड़ा। अच्छा फिर ना भैया मेरे हस्बैंड ने भैया से मिलवाया, बस भैया पूजा खत्म हो रही थी तब भैया आ रहे थे, मैं कह रही ये देखो मैंने कहा ये देखो ये खत्म हो गई पूजा अब आ रहे हैं, बस गाड़ी के पास खड़े थे और मैं कुछ बोल नहीं रही, बस भैया ही बोलती थी, मैंने कहा ये ठीक है बस मेरे मन में एक ही बात है ये ठीक है। अब उसके बाद फिर बस भैया से मैं पूछती चली गई, उन्होंने मुझे अटेंशन डालना सिखाया, मैं बेचा हुआ था तो बीच में बहुत बार मिले, लेकिन भैया को मैं ऐसे देखती रहती थी, चुप रहते थे सबके पीछे पीछे ही चल रहे हैं, बोलता कुछ नहीं था, मैं कह रही ये बस चलते ही रहते हैं बोलते नहीं। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे मतलब मैं बोली सभी नहीं तो पता है, बाकी तो सब बोल ही रहे हैं, क्योंकि ये ना जो भी बता रहा है वो सब सच बता रहा है। फिर बोला अच्छा टेंशन ना बस इस पर डालूंगी, मैं काफी पर डालूंगी इसमें। और जब मैंने भैया के सहसा हृदय में पहली बार टेंशन डाली तो मेरी कुंडली ना जंप करने लगी सहसा पे, मेरे को ये क्या हो रहा है जंप हो रही है कुछ मतलब स्नेक जैसा कुछ जंप हो रहा है सहसा में, मैं पहले से कह रही हूँ कि ले चाहिए। सबसे पहले सब मेरे पे लाना दी भेजते हैं इससे मुझे पता लगा। शालू ना शालू एक शादी में मिली मेरे को, उस दिन वो परेशान हो गई थी बीपी लो पता नहीं क्या, फिर भैया ने सिखाया ना एनर्जी से डालिए, तो मैं घर आके उस पर वर्क करती गई, बस फिर फोन पे ही हमारी बातें होनी शुरू हो गई शालू से, फिर हमारे भैया से फिर रियलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो गए करने, मैं दो तीन थर तक काँप रही थी रियलाइजेशन प्रोग्राम में कैसे होगा कैसे होगा, मैं सिर्फ काँप रही थी थर तक थर में बैठी, फिर भैया ने बोला कुछ नहीं होता हो जाएगा तुम जाओ खड़ी तो हो, मैं कभी माइक नहीं पकड़ा रियलाइजेशन प्रोग्राम कैसे होगा इतने सारे बच्चे हैं, और बस जब बोलने शुरू हुए तो मैं चुप ही नहीं हुआ, मैंने तो हो ही गया बस सबको एनर्जी फील हो गई, मैंने कहा चलो हो गया। मेरी फर्स्ट टाइम जब रियलाइजेशन होता है इसी तरह ऑफिस में रिलाइजेशन का कैरेक्टर था, तो मैं हमको भी ऐसा लग रहा था, पर श्री माता जी के नाम लेने के बाद अरे मैंने कहा चलो फीलिंग हो गई ना बस हो गया, और फिर हमने बहुत सारे स्कूल से प्रोग्राम किए, लेकिन बस यही है कि भैया के साथ लगातार जुड़े रहे, और सच कह रहे हो भैया के साथ किसी ने जवाब नहीं दिया, इवन मुझे तो किसी ने सुना ही नहीं भैया के साथ किसी ने सुना ही नहीं, और समाधान भी जो मिले वो एकदम सेट किया जब मैंने क्या किया है तुम्हारे संसार में, मैं तो कुछ अब तुम इतनी मेरी तारीफ ही करे जा रहे हो, सब की सब घर जाके पहले मेरी शो मीटिंग करना, क्यों मेरा कल्याण कराने में लगे हो आप, किसी को ये भी नहीं पता कि ध्यान लगाना कहाँ है, किसी को भी नहीं पता। भाई ऐसे मत बोलो आकांक्षा, इतने सारे इतने अच्छे अच्छे सहेली हैं पूरे विश्व में, ऐसे मत बोलो भाई, मैं डर गई अंदर से, मुझे डर लगने लगा, हमें आप के लिए ना इसलिए हम कह रहे हैं पार्टी हो गई, हमें आप के लिए नहीं देखिए ना श्री माता जी ने हम दिया, श्री माता जी की कृपा हमें मिली, मटका भी रखा था तुमने एक दिन मटका रखा क्यों था, नहीं मटका क्यों रखा था, मटका नहीं मटका रखा क्यों था, वो पूछ रहे
एक सेकंड, मटका क्यों रखा था आपने? भैया भैया ने कहा था कि नेगेटिविटी आ रही है घर पे तो मटका लगाओ। अच्छा, मतलब उन्होंने बताया नेगेटिविटी आ गई तो मटका लगाओ। हाँ जी। तो आपको क्या मतलब, उन्होंने तो बता दिया, आप मान गए ऐसे ही या अनुभव हुआ कुछ नेगेटिविटी का? बिना अनुभव के ही रख दिया तो फिर क्या हुआ? कौन पी गया? एक सेकंड, एक सेकंड, कौन पी गया मटका? छोटा सा कुत्ता है भैया। अच्छा, कुत्ता पी गया मटका? पोता। अच्छा, पोता पी गया। लो भैया, अब वो सही है बच्चा? नहीं, बच्चा ठीक है। ऐसा सुखा हुआ, ऐसा बिल्कुल ही बहुत ऐसे तो एक्टिव है। एक्टिव कम हो गया, ठीक है भैया। एक्टिव कम, मतलब उसे कह रहा हूँ कुछ हुआ तो नहीं ना? मतलब आपने मुझे बड़ी है, मैंने पहले सोचा कि डॉग पी गया कुत्ता, मैंने सोचा कुत्ता पी गया होगा भाई, आपने सुनाई नहीं दिया ना मेरे को पूरी तरह, तो आपने जैसे बोला। तो अब ये माना जाता है कि अगर आप मटके का पानी पी गए तो वो तो कांड हो जाएगा उसका, तो भूत प्रेत लग जाएंगे उसको जान में। ना भैया, मां बैठी है ना हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो माँ ने पोते को पिला दिया। भैया, मेरे घर में कोई भी किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है, कोई जितना मर्जी जंतर मंतर गिर दे, मेरे घर में मां बैठी है ना, कुछ भी नहीं होगा। ये है विश्वास, तभी तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से विश्व का पहला ऐसा अनुभव होगा, कोई पोता ही पी गया मटके के पानी को। मैंने सुना नहीं आज तक 20 साल में कोई मटके का पानी पी गया हो। हाँ, लाल कपड़े में बांध के दो तीन चीजें थी भैया उसमें, क्या था? हाँ, कुछ होगा और ऐसे रख के चले गए गद्दे के नीचे। मुझे जब वो सब औरतें चले गई, मुझे फील हुआ भी इस गद्दे को उठा दे, इस चादर को उठा, नहीं तो भैया इतनी जल्दी तो उस चादर की कहाँ, और औरतों की रखती अभी इनको भेजो, पर पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि इसको उठा पता नहीं किस, मैंने उठा लिया ना, मेरा मन कह रहा ना मैं उठा देती हूँ इसको, उठाए तो मेरे एकदम से उछल के हाथ में ला गया। अच्छा, क्या तो उसे देख के क्या डर लगा आपको? ना ना भैया, मैंने कुछ नहीं डर लगा, मैंने वैसे होया भी ये ऐसा किसने क्या कर दिया, मैंने तो कीर्तन करवाया था और ये क्या कर दिया किसी ने। फिर मैंने नंद को फोन करा, नंद कह रही इसको ना बाहर फेंक दे, फिर मैं बाहर फेंक दी बस, मैंने कहा मां बैठी है। अब देखो ना, आपके पोते के रूप में सिगणेश जी आए, आप पी गए मटके को ही पी गए। देखो, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, आज तक मैंने सुना नहीं कि जाने अनजाने में किसी ने मटके का पानी पी लिया हो जो घर में रखा हो मटका। मतलब ये कंडीशनिंग तोड़वाई है ना श्री माता ने, भयम डर, भयंकर डर होता है ना लोग, भाई मटका छू मत लेना, इसका भूत निकल के अंदर ना घुस जाए, ऐसा होता है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि चलो एक ऐसी नई चीज सुनी है, मैंने कभी नहीं सुनी, किसी से नहीं सुनी कि कोई किसी सहजी घर में मटके का पानी पी गया कोई बच्चा रखे हुए मटके का। डेढ़ साल में अब वो था बिल्कुल प्योर श्री गणेश जी, उन्होंने सब निपटा दी सारी बेकार की झंझट। तो आपको मुझे ऐसा लगता है उस बच्चे के थ्रू श्री गणेश जी ने बताया कि तुम गलत भ्रम में हो, आपके अंदर घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं, उसने कंफर्म कर दिया ना, कोई झंझट नहीं है, लाओ मैं पी के बताता हूँ पानी क्यों है। मैं सही कह रहा हूँ ना अनिल? आकांक्षा, फिर क्या हुआ बीच में? बात शुरू हो गई थी बहन जी की, मटका जो रखा ना पूरी रात। हाँ, तुमने बताया था मटका, मुझे तो डर ही लगता था, मैंने कहा ये क्या पागलपन है, नींबू मिर्ची मुझे तांत्रिक वाली चीजें कर रही है लगता है, और मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे श्रीमाता जी का ध्यान ही नहीं आ रहा, मुझे तो मटके में ध्यान चला रहा है, पूरी रात में कमर पे सुइयां चुभ रही। इसमें एक संदेश आ रहा है तुम्हारे जरिए कि सारा ध्यान मटके में था, माँ की तरफ से हट गया, माँ की तरफ से हट गया, बहुत मुझे बुरा लग रहा था, मुझे मन खराब हो रहा था, और लग रहा कि ये क्या तांत्रिक विद्या कर रहे हो आप, और पता है कमरे में बुलाने से किसी को डर लगता है, और कोई मिलकर कोई क्या कहेगा, मुझे इतना डर लग रहा है।
फिर पूरी रात कमर में सुइयां चुभती रही, मैं चैन से सो भी नहीं पाई। मैं अगले दिन बोली इसको हटाओ, ये मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। फिर मुझे नींबू मिर्ची बताई कि ऐसे नींबू उठा के नाली में फेंक देना। मैं उसको नींबू को उठा के दबा दबा घूमती थी कौन सी नाली में फेंकूं। और फिर मैंने कहा ये भी मेरे से नहीं होगा, ये बहुत बकवास है, ये बहुत बुरा है और डर लग रहा है करते हुए चीज को, डर लग रहा है मेरे को। मैं कहा मैं तो शिमादा जी के साथ ही ठीक थी क्योंकि मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही थी, लेकिन तब की बात है जब तक भैया नहीं मिले थे, भैया के मिलने के बाद तो फिर चीजें बदल ही गई बिल्कुल। और फिर ना 12 बजे का टाइम बना लिया, डायरी पेन रख लिया, इस घर के पांच लोग हैं उनको एनर्जी देनी है, क्या क्या फील हुआ ये लिखना है, फिर भैया को फोन मिला के पूछना चाहिए ये फील हुआ इसका क्या मतलब है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत दिन तक चलता रहा, बड़ा आनंद आता रहा। फिर घर में कुछ अजीब अजीब चीजें शुरू हुई, एनर्जी फैलती रही, तो बस फिर बदलते चले गई चीज़ें। लेकिन फिर दीपक वाले मेडिटेशन शुरू हो गए बहुत टाइम के बाद, और फिर ये वर्कशॉप शुरू हो गई। लेकिन एनर्जी बनी रहती है, सहसा हृदय में आंसर्स आते हैं, चिंतन हो जाता है, और कई बार इतने अच्छे आंसर आते हैं लगता है कि कैसे सब पता चल पा रहा है, सब मैजिकल मैजिकल लगता है। जो फर्स्ट डे लग रहा था ना मैजिकल, जिससे मुझे डर लगता था जाते हुए भी, उनका बिहेवियर बदल गया मेरे लिए, वो भी प्यार में हो गए, सब प्यार में हो गए। मेरे ये कैसा मैजिक है भाई, इस प्यार में होने में कितने साल लगे ये तो बता दो। बस वो 2006 से ये बस प्यार तो थोड़े टाइम ही चला, उसके बाद तो वही वाला हाल हो गया कि सारे लोगों को पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम हो गई। मेरे को शमाता जी के सिवा किसी का कुछ याद ही ना रहा बात करना, बस शमाता जी शमाता जी शमाता जी शमाता जी, जो भी कोई आए खुश रहती थी मैं और शमाता जी करती रहती थी, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई शमाता जी से या मुझसे या मेरे खुश होने से कि ये इतनी खुश कैसे है। फिर थोड़े फैमिली के झगड़े बड़े तो बहुत कुछ हुआ। अब क्या हाल है वर्तमान स्थिति? नहीं ये मेरी कंडीशन ये रही कि कुछ भी चलता रहा, ध्यान चलता रहा, लेकिन भैया की वजह से ही सब कुछ संभाल। अरे फिर तुमने गलत बात बोल दी। नहीं भैया श्री माता जी की वजह से, भाई तुम मेरे क्यों बार बार नाम ले रहे हो? अच्छा श्री माता जी ने भी आपको जो माध्यम बना के भेजा तो हमारे लिए। भाई मैं कुछ हूँ नहीं, मैं कभी था ही नहीं, आप ऐसे मत बोला करो भाई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सेंटर गई, मैंने पूछा श्री माता जी के बारे में कुछ भी, उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से डांट दिया, मैंने कहा इनसे भी बात नहीं करूंगी। इतने गंदे मतलब सहजों से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कम से कम ठीक से तो बात करेंगे। फिर मेरा मन से वहाँ सेंटर से भी हट गया, मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं, घर में क्या कम है कुछ जो से मैं मुझे बस अच्छा लगा या प्रभा आंटी थी उनका भी अगर अच्छा लगा, फिर उनका भी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। बस एक भैया में स्टेबिलिटी बनी रही, मैं भी डरमोक होती रही, पर श्री माता जी ने सब संभाल ही लिया। आपके सोनी पर संभाला ना श्री माता, श्री माता जी ही संभालती हैं और ज्यादा श्री माता जी के नजदीक आ गए हैं आपको ये बात। यही बात फील होती है हम लोग के पूरे चेतना में श्री माता जी का राज है, राज ये कह रहे हैं, पर आप माध्यम हो इसको आप करिए। जो बात हम सोच नहीं सकते, मतलब एक नॉर्मल इंसानिया जीवात्मा आत्मा मन ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो सब लोग, फिर ये कहेंगे सुन के कि मैस्मराइज होता होते हो आप लोग, आप लोग वशीकृत हो जाते हो, वशीकरण हो जाता है। और एनीथिंग आकांक्षा? बस मैं यही कहूंगी कि यहाँ हम इंतजार करते हैं वर्कशॉप होना टेंशन कब हो, और उसके लिए तैयारी भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और चाहते भी हैं कि यहाँ आए क्योंकि जो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, जो यहाँ आने का जो फीलिंग है वो शायद वीडियो मैंने तो सारे अटेंड किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं अटेंड ही करूं। हां आकांक्षा ने तो वैसे सारे अटेंड किए हैं और मैं अटेंड करती हूं ऑल लातूर छोड़ के फर्स्ट लात, लेकिन लातूर की मिट्टी बहुत अच्छी बात हुई। उस दिन भैया कल आए थे तो ऐसे ही महाराष्ट्र में था, तो मेरे हृदय से एकदम से निकला, मैं कहा
इंस्ट्रूमेंट कैसा है, मतलब जा नहीं पाई थी पर अटेंशन तो था, वे जा रहे हैं जा रहे हैं, एक खुशी जो होती है ना ऐसे जैसे मैं जा रही हूँ, वीडियो कब आ रही है, क्या हो रहा है। अभी भी घर में भी टाइम मिलता है तो बस मोबाइल पे एक ही चीज़ खुलनी चाहिए, कुछ सुन लें, कुछ कर लें, तो थोड़ा इससे मिल जाए और हो जाए, इससे कनेक्टिविटी बराबर बनी रहती है। और मैं सबसे यही कहूँगी जो बस सोच रहे हैं वो सोचे ना, वो आ जाएं और एक्सपीरियंस करके देखें, गहनता प्राप्त करें, क्योंकि अगर हमें डर लग रहा है ना तो फिर सही नहीं है, सारे आंसर अपने मिलने चाहिए। क्योंकि अगर शिवाजी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है तो सब एक ओपन बुक की तरह से है, सीखने से ही आएगा, ऐसे अचानक से आ जाए तो नहीं। और हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, कोई और जरिया नहीं है, एक दूसरे के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम वो जो शेयर करते हैं सब लोग आपस में एक दूसरे से, उनमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे सोनिया बहन ने इतनी अच्छी बातें बताई, एक सुनीता बहन आई थी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे संदेश दिए, जो वैशाली वाली थी कितनी अच्छी बातें बताई थी, मतलब उतनी एक रियलिस्टिक बातें उन्होंने, इतने साल गुजारे, इतनी पीड़ा सही, कैसे कैसे गुजरी, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, वही वाकई वो स्वर्णिम बातें हैं, मतलब सच्ची बात। हाँ जी, जैसे कहते हैं कि सामूहिकता, हाँ तो इतने साल हम लोगों को भी हो गए और हम लोग पूजा में भी जाते हैं, सभी पूजा अटेंड करते हैं, लेकिन मैंने सामूहिकता की फीलिंग वहाँ कभी महसूस नहीं करी। क्यों, इतने सारे लोग तो होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं लेकिन कभी भी आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, कभी आपस में प्रेम भाव नहीं दिखाई देता है, सीधे सीधे माँ के साथ में सामूहिकता होती है, उसमें हम लोगों को प्राप्त भी होता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है माँ के साथ में। लेकिन सामूहिकता के नाम पर हम किसी को जानते ही नहीं है अब तक, जयश्री माता जी भी करेंगे तो ऐसा करके लोग जरूर देखते हैं कि ये कौन है, समझ लीजिए ये सामूहिकता है, ये लगता है कि हमारा परिवार है। आपको ऐसा लगता है तो क्या आपने खुद से पहल नहीं करी उनसे संपर्क बढ़ाने की? नहीं, करने की कोशिश करी, फिर क्या हुआ? कोई कहता है भाई, कोई सोचे भाई दूसरे के करे तो हम भी कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, करते हैं, मतलब करने की कोशिश करी, श्री माता जी कह गए आ जाइए, बैठ जाइए, पास में आ जाइए, वैसे करिए, उसके बाद में तो सब लोगों का ऐसा टाइम हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है वहाँ पे, तीन तीन चार चार घंटे लग जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, कुछ भी वहाँ पे इस स्तर का नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम आपसदारी में भी दें, मतलब आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने जानने में, अनुभव शेयर करें या बात करें, आप कैसे करती हैं, आप कहाँ से आती हैं, क्या है, वो वाली भाईचारे वाली बात नहीं, सेंटर्स में आपको नजर नहीं आती, नहीं तो जैसे पहले गए अनजान से वैसे ही चल बने, तो जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं एक बार उनसे इस बारे में बात कीजिए, अच्छा मालूम नहीं है, अभी तो दीपक जी हैं शायद, कौन से दीपक जी, दीपक त्यागी जी गोरे से जो है, नहीं, वैसे वो बहुत अच्छे इंसान है, अगर आप ये उन तक आप कहेंगे ना कि भैया एक ऐसे सेशन कराओ तो शायद करा देंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, आप एक बार बात करके देखना दीपक त्यागी जी से, तो ये हो सकता है एक दिन वो ऐसा रखे भी चलो आज दिन आज जो है सब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में सभी लोग जो है एकदम से पूजा में जाते हैं, पूजा शुरू हुई भी होती है सब लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद में बस लाइन में लग जाते हैं बाहर प्रसाद की लाइन में लग जाते हैं। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, भूपेंद्र त्यागी हैं वो भी वैसे अच्छे इंसान हैं, अभी आप बात करके देखिए उनसे, प्यार से कहिए भैया ऐसा ऐसा कराइए ना एक दिन, तो कराएंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, त्यागी जी भी करा सकते हैं, एक बार बात करके देखना आप, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना सबके लिए, कोई अलग से तो चीजें है नहीं, भाई चलो इतने बार इतने सेशन चलते हैं, महीने में एक सेशन ऐसा हो जाए कि चलो भाई साहब आपसी इंटरेक्शन के साथ हम जुड़े, करके देखना बार एक बार कह के देखना, अब वो क्या होगा जाएगा उत्तर दे देंगे ना, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता लग जाएगा कि वास्तव में क्या है, क्या पता उनके अंदर हृदय में भाव ही ना आता हो ऐसा करने का, और आप उनके अंदर ये चीज़ डालें तो हो सकता है उनको क्लिक कर जाए कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 250-300 लोग तो होते ही हैं और 3-4 घंटे का पूरा सेशन चलता है सेंटर का, किसी समय पूजा पे तो बहुत लंबा होता है, 5-7 घंटे का होता है रूटीन में भी, मेरे ख्याल से निशा कितने घंटे का चलता है रूटीन में बिना पूजा वाले सेशन? दो घंटे नहीं, मैं मेरठ सेंटर की बात कर रहा हूँ, दो घंटा और जो
अच्छा दो घंटा। तो एक बार आप सब लोग सलाह लेके देखना, क्या पता कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे को क्लिक नहीं होती बात, या हमें आइडिया नहीं आता, आप आइडिया देके देखो। कभी हम वैसे पूजा तो करें, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है ना, और आपके आपके करने से क्या पता हो सकता है बाकियों को भी बहुत आनंद आने लगे, आपके अंदर ये फीलिंग आई है। अगर जाएगा तो क्या होगा, मना कर देंगे, जाएगा क्या होगा, मना ही तो कर देंगे, एक बार कह के देख सकते हो। एक दूसरे से इंटरेक्शन का बड़ा मजा आता है, एक दूसरे की चीजें सुनने में। प्रश्न तो रखना जरूरी है, वो फीलिंग तो आनी चाहिए ना, एक परिवार की फीलिंग आनी चाहिए, आगे बच्चे हैं तो एक फीलिंग आनी चाहिए ना, वो तो ये वाली चीज करके देखें। जैसे कि अगर हम जय श्री माता जी तो उनको भी ये जय श्री माता जी बोलना है। हाँ क्या कह रहे हो, जैसे कि हम आपको कहें जय श्री माता जी, आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि जय श्री माता जी तो बहुत बड़ा ये बात तो बोलते हैं। हाँ आपको प्रणाम करते हैं, खुद को प्रणाम, समस्त देवी देवता ब्रह्मांड उसमें आते हैं, इतनी बड़ी चीज है। जय श्री माता जी इस चीज को छोटा कर दिया, अगर ये व्यक्ति नहीं करता कोई सहयोग तो उसके अंदर कोई चीज कमी है, इग्नोर कर रहे हैं आपको, और आपको नहीं वो श्री माता जी इग्नोर। कितनी अच्छी बात बताई है मिलने, वेरी ब्यूटीफुल, देखो कितनी अच्छी बात बताई है। ज्यादातर लोग सेंटर पे ऐसे करते हैं ना, जैसे मेरे का सेंटर है तो बैठते क्यों, उनमें ग्रुप बने हुए हैं कि भाई ये सुभारती वाले हैं ये इनके साथ में रहेंगे, ये गंगानगर से आए हैं ये इनके साथ में रहेंगे, ये शास्त्री नगर से आए हैं हम लोग साथ में बैठेंगे, और बाकी बोलेंगे जय श्री माता जी जय श्री माता जी। तो इसका तोड़ने का इतना सुंदर बात अभी बहन जी ने कहा ना कि भाई एक बार सजेशन देके देखो कि भैया ऐसा आप अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा करा, भाई ऐसा है ना कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको क्या उनको नहीं आया आइडिया मान लो, तो भाई एक सेशन जो है उनको सिर्फ उतना ही आता है कि उन्होंने भाषा को उस पे माता जी की वीडियो चला दी और भजन करा दिए और उसके बाद में नहीं, वो तो एक ऐसा है ना, पता है क्यों है ऐसा, नहीं नहीं एक कारण क्या है कि पूरे भारत के सेंटर्स में एक सिस्टम है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो तो जो करते हैं करें, तो उनसे को महीने में एक ऐसा सेशन हो जाए जो आपसी इंटरेक्शन वाला हो, महीने में एक सेशन, वैसे कहा नहीं है कभी किसी ने, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको क्या होगा, ज्यादा मना कर देंगे या कहेंगे अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन तक ये मैसेज तो जाएगा आपका। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों भूपिंदर भूपिंदर भी बहुत अच्छे है, स्वभाव है उनका, दिल अच्छा है, अच्छे दिल के इंसान है, और त्यागी जी दीपक त्यागी जी तो है, वो तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, वो तो बोलना बोलते भी नहीं देखा मैंने कभी, एड्रेस भी नहीं करते माइक पकड़ के, वो तो चुपचाप खुश रहेंगे, बस खुश होते रहते हैं, जो होता है वो खुश रहते हैं वो, और किसी को अगर वो जानते ना हो कोई, अगर कोई जानता ना हो कोई तो किसी को बताएंगे भी नहीं मैं कौन हूँ, उनको पीछे रहने का बड़ा मजा आता है नहीं। और भूपिंदर भूपिंदर जो है वो भी उनका अच्छे दिल के इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है, पर भैया ठीक है हमारी हमारी धारणाएं सहज को लेकर अलग अलग हो सकती है, पर हृदय अगर अच्छा है ना तो सारी कमी पूरी कर देता है हृदय। मैंने हमेशा हृदय अच्छा पाया है, मैंने महसूस किया है, मेरा अपना अनुभव है, मानसिक धारणाएं या सोचें हमारी विभिन्न हो सकती हैं, पर हृदय के भाव अगर अच्छे हैं ना तो बढ़िया बात है। देखो ना अब मेरठ के अंदर इटरनल ट्रस्ट और उसका चक्कर चल रहा था, त्यागी जी ने प्रयास किया तो भूपिंदर मान गए ना, भूपिंदर मान गए ना इस बात को कि हाँ भी ठीक है साथ में बैठते हैं साथ पूजा कर लेते हैं, मान गए ना, अगर अच्छे दिल के ना होते तो क्यों मानते। तो इससे पता लगता है कि इंसान के अंदर गुंजाइश है किसी में भी, भाई कोऑर्डिनेटर हो या ट्रस्टी हो, है तो सब सहजी ही ना, अंतर तो कोई है नहीं, और सबने चुना है स्वेच्छा से कि हम इस रूप में हम सेवा करना चाहते हैं मां, मतलब उन्होंने स्वेच्छा से चुना है, ये उनकी चॉइस है, हम और आप है हमारी बाई चॉइस है कि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हम किसी और रूप में कार्य कर सकते हैं, श्री माता जी आप उनसे करा लेना,
हमें वो वाली कार्य पसंद नहीं है, हम उस चीज में कार्य करके खुश नहीं है, वो उस चीज में कार्य करके खुश है, इतना ही तो डिफरेंस है। हाँ कुछ गड़बड़ होते हैं कोऑर्डिनेटर्स जिनका थोड़ा सा ये ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, समस्याएं पैदा करते हैं नो डाउट, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते ना। केवल 15-20% ऐसे कोऑर्डिनेटर या अधिकारी हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन 80% तो बढ़िया ही है ना। अच्छा तुम कोऑर्डिनेटर हो? ओहो हो कोऑर्डिनेटर हो तुम? नहीं वो तो बात उससे मतलब नहीं है, संख्या से संबंध नहीं होता। कोऑर्डिनेटर हो तुम? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये बताना था मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं। अच्छा पटना सिटी के सेंटर की कोऑर्डिनेटर हो? लो भाई देखा ये होता है ना हम्बलनेस, अपना बताया नहीं कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे आज तक नहीं पता। जितना जितना अच्छे स्तर पे आप बाह्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है उतना विनम्रता आवश्यक है, उतना हम्बलनेस, उतना डाउन टू अर्थ, उतना ग्रेटिट्यूड, ये एक आवश्यक हिस्सा है। कहते पेड़ पे भी फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। तो 15-20% ही तो गड़बड़ हो जाते हैं, बाकी 80% तो बढ़िया ही है, और 80% अच्छे हैं तभी तो सारे संसार में सारा काम चल रहा है। अब 20% तो कुछ भी नहीं होते ना, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है, समय आता है और सब सही हो जाता है मामला। 2010 से चल रहा है। क्या 2010 से? 2010 से कोऑर्डिनेटर हो? हाँ चल रहा है। भाई वाह, विशाल लोग तो वहाँ पे आता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए हाँ निशा अब आप बताइए। नाम तो आपने बता ही दिया। हाँ नाम बताने की जरूरत है। जुड़ने का मेरा कोई खास ऐसा पर्पस नहीं था उस टाइम पे, बस जो कर्मकांड होते हैं ना, मैं गांव से हूँ तो उसमें अमावस्या पूर्णिमा ये सब चीजें बड़ी मायने रखती हैं। मुझे बड़ी झंझट होती थी इन चीजों में, मुझे याद नहीं रहता कभी भी कुछ भी। पूजा पाठ घर में स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा, पापा भी हमेशा ध्यान करते हैं सुबह शाम, मम्मी भी हमेशा करती हैं, हमारा भी वही आदत रहा स्टार्टिंग से, पूजा पाठ में काफी विश्वास। दिन की शुरुआत होती थी घर में रामायण पढ़ के ही होती थी। अच्छा स्टार्टिंग से तो उधर रुझान रहा, लेकिन ये चीजें बड़ी झंझट वाली लगती थी, मुझे कभी याद ही नहीं रहता था, नाराजगी हो जाती थी मेरी मदर इन लॉ शादी के बाद में, तो कुछ नहीं करती भूल जाती, मैंने कहा मम्मी मुझे याद नहीं रहता कुछ भी। फिर हमने अपना जो मेरा प्रॉपर है रहने का वो अमरोहा में है, तो अमरोहा में घर बनाया, वहाँ पे मुझे किसी ने शमाता जी के लिए बताया था, तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, तभी इनका पोस्टिंग मेरे हस्बैंड फोर्स में है आरएफ में मेरठ में हो गया था। आते ही जैसे मेरठ में हम लोग शिफ्ट हुए, 2 महीने बाद ही फिर मुझे किसी ने बताया शमाता जी के लिए, और उन्होंने मुझे एक प्रतिमा दी थी शमाता जी की, तो पता नहीं क्या था वो प्रतिमा से ना चित्त नहीं हट रहा था मेरा बिल्कुल भी, उधर ही बार बार मन जा रहा था, तो उन्होंने कहा एक बार सेंटर चलिए रियलाइजेशन ले लीजिए। मुझे पता नहीं था क्या होता है रियलाइजेशन, क्या इसमें मतलब होगा, सब कुछ नया था उस पूजा से, तो ये बिल्कुल ही अलग था सहज रूप। गई वहाँ पे रियलाइजेशन लिया, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, उल्टा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द था, एक सप्ताह मुझे बहुत दर्द रहा। फिर हर संडे उनके साथ मैं भी सेंटर चली जाती थी, सब लोगों ने बस वही कि ये ऐसे जल क्रिया करो और मतलब ऐसे नाड़ियाँ साफ करो, सुविटिंग करो, तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट काम लगता था, मैंने कहा इन्हीं से बचने के लिए तो यहाँ आई थी, ये तो उस पूजा से भी ज़्यादा ज़्यादा झंझट वाले काम है। मैंने भी मटका रखा था। अच्छा तुमने भी मटका रखा, तो तीन मटके वाले हो गए। मटके के लिए बताया था कि उसको देखना नहीं है। तो मटका रखा क्यों था? कोई मुझे देख कह देना कि इस चीज को देखना नहीं है तो बार बार ना उधर ही से मन जाता है। अच्छा देखना। अच्छा